दोस्तों, यह है टिप्पू सुल्तान मस्जिद, तो तारीखी मस्जिद। मेन एरिया चौराहे के नजदीक मशहूर होटल ही आप देख सकते हैं। इसके इस तरफ भी सड़क है और इस तरफ भी सड़क है। बहुत ही अहम एरिया यह है, कलकत्ते का टिप्पू सुल्तान मस्जिद बाहर से बेहद खुशनुमा। मैं कई बार इसमें नमाज पढ़ चुका हूँ। असर का वक्त हो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, और मुमकिन हुआ तो अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा। ये चालू चौराहा है, आप देख रहे हैं गगनचुंबी इमारतें, और काफी ट्रैफिक वाला चौराहा। इसके बावजूद लोग दौड़ धूप कर इस पार से उस पार हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, भागता हुआ इधर आया, भागता हुआ उधर गया और फिर टिप्पू सुल्तान मस्जिद की तरफ आ गया। अब मैं इसका गेट दिखाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा। यह अंदर जाने का रास्ता, और इसी रास्ते से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाजी जा रहे हैं। अंदर से ये व्यू देखिए, आसमान भी देखिए, और मैं जूम आउट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ नमाज पढ़ने के साथ साथ लोग आराम भी करते हैं। थोड़ी देर पहले आया था तो बहुत सारे लोग लेटे पड़े थे, और अभी भी आप लेटे पड़े लोगों को देख सकते हैं, यानी एक आरामदायक भी है ये। अभी भी लोग लेटे हुए हैं और उस पर आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अंदर का भी कुछ व्यू दिखाऊं। आप आसमान के साथ साथ इन गुंबदों की खूबसूरती को भी देख सकते हैं, बेहद खुशनुमा कारीगरी का आला नमूना। ये घंटा घर है, इसमें घड़ी भी लगी हुई है, मैं उसे भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये बड़ा सा सहन जूम करके दिखाता हूं। लोग लेटे पड़े और नमाज भी अदा कर रहे हैं। 4:15 में असर की जमात है, 4:08 हो रहा है घड़ी में। मैं कोशिश करूंगा कि अंदर का भी व्यू दिखाऊं। ये सामने वजू खाना है, यहाँ लोग वजू बना रहे हैं, और यहाँ टॉयलेट का भी इंतजाम है, यहाँ कोई भी आ सकता है। यहाँ मैंने देखा है कि नमाजी के अलावा भी कुछ लोग आसपास के दुकानदार वगैरह इससे फायदा उठाते हैं। और अब मैं आपको घड़ी दिखा रहा हूं, मैं जूम करके दिखा रहा हूं। बहुत खूबसूरत बना हुआ है। बहुत अफसोस है दोस्त, तो मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा। मस्जिद में हो या फिर कोई और इबादत की जगह, यहाँ जो मौजूद होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप इनकी वीडियोग्राफी करें। और मैंने कोशिश की समझाने की, लेकिन समझ नहीं पाए, और नतीजा हुआ कि मैं मजबूर हो गया कि इनर व्यू नहीं दिखा पाऊंगा। वेरी सॉरी।